है वो है ईपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आपके घर में इन्वर्टर तो लगा ही होगा, आपने जहाँ भी देखा होगा वहाँ पे इन्वर्टर लगा होता है, ठीक है, इस तरह का इन्वर्टर लगा हुआ होगा आपके घर में। इन्वर्टर लगा हुआ, इन्वर्टर क्या करता है, जब पावर सप्लाई आपकी जाती है तो ये पावर सप्लाई क्या करता है, बैटरी से आपको सप्लाई प्रोवाइड करने लगता है। और एक छोटा सा यूपीएस आपने यूज़ किया होगा कंप्यूटर के लिए, ठीक है, ये यूपीएस ऑफलाइन होता है जस्ट लाइक द इन्वर्टर ही होता है। बट इसमें क्या है कि इन्वर्टर जैसे आपकी मेन सप्लाई गई है बैटरी से ये सप्लाई पे जब जाता है तो उस समय क्या होता है, पावर फ्लक्चुएट होता है 0.04 मिली सेकेंड के लिए। बट ऐसा इसमें भी होता है, ये छोटे वाला यूपीएस में भी होता है कि ये थोड़ा सा कटकुट का आवाज़ आएगा, उसके बाद में ये भी फ्लक्चुएट कर। जब पावर सप्लाई फेल हो जाता है उस समय ट्रांसफार्मर का लोड डीजी पे आने में 2 से 3 मिनट लगता है। उस समय पावर सप्लाई अगर हमारा ईपीएस से मेंटेन नहीं होता तो पीएलसी पे जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग फेल हो जाएगा, तो क्या होगा, चेंज ओवर नहीं होगा। इसलिए इसको पीएलसी कंट्रोलिंग में ईपीएस सप्लाई को यूज़ किया जाता है, सर्वर रूम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर लैब में यूज किया जाता है, इमरजेंसी लाइट के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद यूज किया जाता है पीएलसी कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। ये पीएलसी कंट्रोलिंग है, जो भी आप अच्छे अच्छे कम इंडस्ट्री में गए होंगे तो पीएलसी कंट्रोलिंग से बीएमएस कंट्रोल से सारी सिस्टम को आप एक जगह से हैंडल करते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड का मतलब क्या हुआ, नॉन स्टॉप या बिना रिकावट के पावर सप्लाई प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब इसी को यूपीएस में क्या यूपीएस को हिंदी में बोलते हैं, अबाधित विद्युत आपूर्ति, ठीक है, अबाधित विद्युत आपूर्ति, ठीक है। ये जो हमारा जो सिस्टम लगा हुआ यूपीएस लगा हुआ है, ये मॉड्यूलर टाइप यूपीएस है, ठीक है। इसमें देखो ये बैटरी है और इसमें ये कंप्लीट एक यूपीएस है, ठीक है। आप समझते हैं कि यूपीएस का काम कैसे करता है, ठीक है। यूपीएस का क्या होता है कि जैसे हमारी मेन सप्लाई कट जाती है, जैसे पावर सप्लाई आता है तब क्या होता है, यूपीएस चार्ज भी होता रहता है, कंटिन्यू पावर सप्लाई हमारे सिस्टम को देता रहता है। जैसे ये पावर सप्लाई कट होता है उस समय क्या होता है, हमारी पावर सप्लाई देना इधर से बंद हो जाता है, रेक्टिफायर बंद हो जाता है और ये यूपीएस क्या करता है, बैटरी से सप्लाई अपना प्रोवाइड कंटिन्यू रखता है, ठीक है। ईपीएस का पावर सप्लाई का यूज किया जाता है सर्वर रूम के लिए, लैब के लिए, इमरजेंसी लाइट के लिए और पीएलसी कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। ईपीएस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑफलाइन ईपीएस, दूसरा होता है ऑनलाइन ईपीएस। ऑफलाइन ईपीएस में क्या होता है, ऑफलाइन ईपीएस जैसे इन्वर्टर हो गया या छोटे छोटे ईपीएस हो गया, ऑफलाइन ईपीएस में क्या होता है कि जैसे मेन सप्लाई हमारे रेक्टिफायर को मिला, रेक्टिफायर क्या किया, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके क्या किया, बैटरी को चार्ज किया, फिर इन्वर्टर क्या किया, ये उसी डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके ये स्टैटिक स्विच के द्वारा आपको सप्लाई दिया। बट ये जो सप्लाई है, जब ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है, जब मेन सप्लाई चलता रहता है उस समय बैटरी चार्ज होती है और इसकी जो सप्लाई चलता है वो बाईपास से चलता है, ये बाईपास से चलता है। यहाँ देख रहे हैं कि अब बाईपास से इसकी सप्लाई चल रही है, ये स्टैटिक स्विच ऑन है। बट ऑनलाइन यूपीएस में क्या होता है, ऑनलाइन यूपीएस में होता क्या है कि जैसे कि हमारी पावर सप्लाई इधर से मिल रहा है तो बैटरी भी चार्ज हो रहा है और बैटरी से पावर सप्लाई हमारा कंटिन्यू चलता रहता है और ये स्टैटिक स्विच बाईपास वाला बंद हो जाता है, ये फर्क है। उसके बाद समझिए ईपीएस में आप रीडिंग लेने जाते हैं तो ईपीएस में रीडिंग लेते हैं वो कैसे लेते हैं, ठीक है, और क्या क्या मेन पार्ट होती है। आपने ईपीएस में गया होगा रीडिंग लेने तो ये देखा होगा आपने कि यहाँ पे 3 इंडिकेटर ऊपर आ रही है, जैसे यहाँ पे एक ये बिलिंग कर रहा है, एक यहाँ बिलिंग कर रहा है, एक ये बिलिंग कर रहा है, एक ये बिलिंग कर रहा है और एक यहाँ पे पावर फेलियर टाइम बिलिंग करता है। ये क्या है, ये रेक्टिफायर को डिनोट करता है, ये बैटरी बैंक को डिनोट करता है और ये जो है ये इन्वर्टर को। इसका मतलब ये हुआ कि पावर सप्लाई रेक्टिफायर से बैटरी चार्जर से बैटरी को चार्ज कर रहा, बैटरी से फिर सप्लाई मिल रहा क्या कि इन्वर्टर में, इन्वर्टर क्या कर रहा अपनी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट को दे रहा है। जैसे कि आपकी मेन सप्लाई कट जाती है तो उस समय क्या होता है कि बैटरी पे जब कंटिन्यू सप्लाई चल रहा है तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे आपका रेड कलर का सिंबल मतलब इंडिकेशन आ जाएगा और आपके अलार्म शो करने लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बीपर होने लगेगा। यहाँ पे क्या है कि बाईपास को भी सप्लाई बंद कर दिया गया और इनपुट सप्लाई भी बंद कर दिया गया, उस समय ये दोनों सप्लाई शो कर रहा है।
अगर आपके अननेसेसरी कोई अलार्म आ जाता है तो आप उसको क्या करोगे? यहाँ पे देखिए बजर का सिंबल है, ये जो बजर का सिंबल है ठीक है, यहाँ पे इसे क्लिक करके यहाँ पे ले जाकर ओके करेंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा ठीक है। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग लेने के लिए यहाँ से क्लिक करके ले जाएंगे तो ये इनपुट पर क्लिक करेंगे तो इनपुट का वोल्टेज, करेंट, बैटरी वोल्टेज और लोड दिखाएगा ठीक है। और आउटपुट पर ले जाएंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज ये जिससे शो कर रहा है वो उसको डिटेल में शो करेगा कि पर फेज कितना सप्लाई है, कितना लोड है। उसके बाद क्या होता है, आपको बैटरी का स्टेटस देखना है तो बैटरी पर ले जाकर क्लिक करेंगे तो ये बैटरी कितना नंबर ऑफ बैटरी है, कितना बैटरी वोल्टेज है, बैकअप टाइम कितना है, वो बताएगा। अब यूपीएस के ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि यूपीएस कैसे काम करता है। आप यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाने के लिए बोले या एसएलडी बनाने बोले, एसएलडी का फुल फॉर्म होता है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम आपको इंटरव्यू में अगर पूछता है तो आप सिंपली ऐसे बनाइएगा, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, स्टैटिक स्विच और बाईपास स्टैटिक स्विच और यहाँ पे बैटरी बैंक। हम जैसे समझते हैं इसकी चीज़ को, जैसे हमारी थ्री फेज और सिंगल फेज सप्लाई हमें पहले मिलता है रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर प्लस चार्जर कंप्लीट होता है ठीक है। अब आगे बता देंगे हम कि रेक्टिफायर काम कैसे करता है। आप एक सिर्फ रेक्टिफायर लगाने से आपकी सप्लाई तो चेंज नहीं होगी, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, चार डायोड के मिलकर ब्रिज बनाया जाता है, फुल वेव ब्रिज। वो क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी में, एसी वेव को डीसी वेव में कन्वर्ट करता है। अब क्या करता है, ये ऐसे ही एसएम को इसको चार्जर समझते हैं, चार्जर कर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी से ये डीसी सप्लाई कहाँ जाता है, इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर से स्टैटिक स्विच से सीधा सप्लाई लोड पे चलता है। ये ऑनलाइन यूपीएस में होता है, ऑफलाइन यूपीएस में नहीं होता है। ऑफलाइन यूपीएस में जो ऑन होगा तो आपको बैटरी चार्ज होता है, उस समय सप्लाई बाईपास नहीं होता। ये आपको हमने पहले थोड़ी सी देर पहले बता दिया था। आप इसके बारे में समझते हैं कि रेक्टिफायर जो है इसकी काम क्या है, इसका काम क्या है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सप्लाई को, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहले क्या करता है, रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ठीक है, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, मतलब कम करता है ठीक है, 12 वोल्ट 13 वोल्ट में। उसके बाद क्या करता है, ये उसी एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। देख रहे हैं ये फुल साइकिल ब्रिज, फुल साइकिल है, ये क्या करता है, इनडायरेक्ट कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कर देता है ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्ट साइकिल बना देता है। अब यहाँ ट्रांसफार्मर है, उसके बाद में चार डायोड को मिल करके क्या बनाया गया, रेक्टिफायर बनाया गया। फिर यहाँ पे कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है ताकि हमारी अगर वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो वो मेंटेन हो जाए। आप समझते हैं इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर तो आपको पता ही होगा गाँव में यूज होता है, घर में यूज होते हैं। तो प्लेस में क्या होता है, जब हमारी मेन सप्लाई चली जाती है तो उसमें इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी की सप्लाई को हमें एसी में कन्वर्ट करके देता है। कभी भी कोई भी पूछे जो इन्वर्टर से सप्लाई मिल रहा है वो एसी होता है कि डीसी, तो हमेशा वो एसी होता है। यूपीएस से सप्लाई मिल रहा है एसी है कि डीसी, तो वो एसी होता है ठीक है। उसके बाद समझते हैं बैटरी बैंक। बैटरी बैंक का मेन रोल होता है यूपीएस में, बैटरी बैंक कैसे बनता है इसके बारे में बस। बैटरी बैंक क्या होता है कि 40 बैटरी का, 32 बैटरी का, 38 बैटरी का, जितनी भी हमारी कैपेसिटी लोड होता है कितना एज के हिसाब से और यूपीएस के कैपेसिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं उसमें बैटरी नंबर ऑफ बैटरी चेंज करते हैं। सपोर्टली हम समझते हैं कि हमारे बैटरी बैंक में 40 बैटरी बना हुआ है, तो क्या है कि जैसे तीन बैटरी यहाँ पे लगाइए उसी तरह के यहाँ पे बैटरी लगाइए, एक दो तीन चार, चार बैटरी है, चार चौको 16 है, बट क्या है कि एक रैक में 8 बैटरी है तो 8 चौको 32 एज की बैटरी है ठीक है। अब इसमें कनेक्शन क्या होता है, अगर कोई बोले कि बैटरी कनेक्शन सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है, तो बैटरी की कनेक्शन यूपीएस में हमेशा सीरीज में होता है। सीरीज में कनेक्शन कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव से जोड़ दिया जाता है, फिर अगले इसी इसके पॉजिटिव को अगले निगेटिव से जोड़ के इसका पॉजिटिव और इसके निगेटिव को लेकर यूपीएस में इनपुट सप्लाई में कनेक्ट कर दिया जाता है, यूपीएस के बैटरी इनपुट सप्लाई में कनेक्ट कर दिया जाता है। और पैरेलल में कैसे होता है, पैरेलल में निगेटिव निगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में जोड़ दिया जाता है। आपने टर्च में कभी बैटरी लगाया होगा तो पॉजिटिव निगेटिव में, निगेटिव पॉजिटिव में जो होता है वो सीरीज में होता है हमेशा ठीक है। आप समझते हैं यूपीएस जब नॉर्मल वर्किंग में रहता है वो कैसे काम करता है। यूपीएस जब नॉर्मल वर्किंग में रहता है, जैसे हमने मेन सप्लाई चल रहा है तो उसमें क्या, ऑनलाइन यूपीएस में एसी सप्लाई क्या कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को दे रहा है, फिर बैटरी से सप्लाई कहाँ जा रहा है, ये इन्वर्टर को जा रहा है, इन्वर्टर से ये सप्लाई सीधा डायरेक्ट लोड को जा रहा है। उस समय क्या है, स्टैटिक स्विच ऑफ है, बट ऐसा ऑफलाइन में नहीं होगा। ऑफलाइन में क्या होता है कि ये सप्लाई क्या होगा, बैटरी चार्ज होगा, बट यहाँ पे जो सप्लाई है वो इधर से मिलेगा, वो सप्लाई इसका इधर से मिलेगा, यहाँ से सप्लाई इसकी कंटिन्यू यहाँ से सीधा आएगा, ये वाला नहीं चलेगा ठीक है। उसके बाद समझते हैं बैटरी मोड।
जब यूपीएस बैटरी मोड में होता है क्या होता है, एसी सप्लाई जो रेक्टिफायर की सप्लाई कट जाती है, उस समय क्या होता है बैटरी से हमारी सप्लाई से कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और चीज़ समझते हैं, बाईपास मेंटेनेंस स्विच और स्टैटिक स्विच के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक स्विच क्या करता है, स्टैटिक स्विच क्या करता है, जैसे कि इनके साथ अगर हमारी यूपीएस में कोई फॉल्ट आ गया या इन्वर्टर खराब हो गया, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, ये सप्लाई बंद हो जाएगा और ये सप्लाई स्विच होके यहाँ चालू हो जाएगा, ये स्टैटिक स्विच, ये से स्टैटिक स्विच बंद हो जाता है, उस समय क्या होता है स्टैटिक स्विच ये ऑफ हो जाता है। एक बार समझते हैं ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से कि रेक्टिफायर में अगर इशू आता है तो ये बैटरी पर चलने लगता है, बट जैसे ही इन्वर्टर में इशू आएगा, हमारे यूपीएस में फॉल्ट आएगा, उस समय क्या होती है हमारी मेन सप्लाई स्टैटिक स्विच के द्वारा बाईपास मोड पे चला जाता है। एक और सप्लाई होती है, वो होता है बाईपास मेंटेनेंस मैनुअल स्विच। बाईपास मैनुअल स्विच क्या करता है, जैसे हमें यूपीएस में कोई लोड है या कोई ब्रेकडाउन है कि कोई फॉल्ट है, ठीक है, उसे हमें कोई सर्विस या कोई पार्ट चेंज करना, उस समय क्या करते हैं सप्लाई को, इस सप्लाई को बंद करते हैं, बैटरी की इनपुट सप्लाई बंद करते हैं और बाईपास मैनुअल स्विच को बंद करके ऑन करके हम क्या करते हैं पीछे से, मतलब कि मेन से सप्लाई सीधा डायरेक्ट लोड को दे देते हैं और हम यूपीएस में काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हमें काम करना होता है तो वैसे काम कर लेते हैं, अगर इनके वर्किंग टाइम में अगर हमारी यूपीएस बैठ जाती है तो उस समय क्या होता है कि उनकी जो रेडियंसी होती है एन प्लस वन और एन प्लस एन होता है, उसको समझेंगे कि दो यूपीएस को कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो एक का लोड दूसरे पर कैसे जाता है, दूसरे का पहले पे कैसे आता है, इस चीज़ को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी सेफ्टी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यूपीएस में कौन कौन सी पार्ट होता है जो कि ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम इसी तरह का टेक्निकल वीडियो आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करना और बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।